खोल दिया फाइनली। जब भी पहले बार किया था ना हाथ ऐसे हिलता था, अभी आदत हो गया है। अभी रिसेंटली एक पोस्ट डाला था, आपने देखा रहेगा, इंस्टा पे भी डाला था, यूट्यूब में भी डाला था। लैपटॉप ने अपने धोखा दे दिया, तो इसके वजह से मुस्कुराहट है। क्यों बताऊं? क्योंकि 2 साल बाद मेरे ख्याल से मेरा जो प्रोफेशन था है अभी भी एक्चुअल, जो सीख जाते हो ना वो आपसे कोई छीनता नहीं, वो यहाँ पे होता है। तो 2 साल बाद आज मौका मिला है अपने लैपटॉप को खुद रिपेयर करने का, तो ये जो मौका है बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता हूँ। इसके वजह से आप देख रहे हो ना खुशी चेहरे से मुस्कुराहट। तो ये लैपटॉप को मैं लेके जाऊंगा रिपेयर स्टेशन पर, मैं किसी भी इंजीनियर के हाथ में देने वाला हूँ, मैं खुद रिपेयर करूंगा। इसका जो डिस्प्ले है मैंने ऑर्डर किया हुआ है, उधर आया है स्टॉक में। अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट सक्सेस हुआ तो ये लैपटॉप अपने पास होगा, नहीं तो फिर नया के लिए सोचना पड़ेगा। नया 60-70 हज़ार का बजट है, देखना पड़ेगा। पर खुश हूँ आज 2 साल बाद अपना प्रोफेशन रिलेटेड कुछ काम मिला है, करेंगे। बहुत दिन से मैं ये काम किया नहीं था एक्चुअली, वीडियो शूट अपडेट ये सारे दूसरे लाइन पे चला गया, दूसरे प्रोफेशन में, जिसके वजह से इससे थोड़ा दूर आ गया था। आज एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब अपना कुछ चीज़ें खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो कुछ भी, अपना प्यारा चीज़ खराब होता है ना, दिल को दुख लगता है। मुझे दोनों हो रहा है, दुख भी है और खुशी भी है दुख इसलिए है क्योंकि काम सारे काम अटक गया है एक्चुअली 2 दिन से। कल आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वीडियो एडिट किया था और अपलोड कैसे किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे आधा स्क्रीन दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से दुख है, काम सारे अटक गया है, पर खुशी इस बात का है कि 2 साल बाद जो अपना प्रोफेशन रिलेटेड कुछ काम मैं खुद अपने हाथ से करूंगा। लास्ट वीडियो जो आपने देखा है वो कैसे मैंने एडिट करके डाला हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके चलो, तो ये जो देख रहे हो ना आप, देखो ये पूरा स्क्रीन आधा यहाँ तक दिख नहीं रहा है, ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो एक ये ब्राउजर ओपन हुआ है, इसको मैं अगर बंद करूँ या मिनिमाइज करूँ तो इसका जो क्रॉस है, क्लोज वाला आइकन, ये ऊपर है। कैसे करूँ तो मैं क्या कर रहा था पता है, ये एरो ऐसे जो दिख रहे हैं ना आपको, एरो, ये एरो मार्क को मैं ऐसे स्लो स्लो ऊपर लेके जाके ऐसे ढूंढता था, ये देखो मिल गया है तो ऐसे आधा स्क्रीन में ला के रखो, फिर यहाँ से जो भी काम करना है, इतने इतने बड़े स्क्रीन में मुझे काम करना पड़ता था, ये तो कुछ काम का नहीं है। तो ऐसे कुछ एडजस्ट कर करके मैं एक दो वीडियो अपलोड किया जो आप लोगों ने देखा रहेगा। तो ये सीन चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसको काम बहुत स्लो हो गया, मतलब स्लो मतलब ना के बराबर, ऐसे काम नहीं होता एक्चुअली। तो जस्ट मुझे इसको बहुत जल्दी रिप्लेस करना है। और क्योंकि मैं जा रहा हूँ पेंजिम लैपटॉप लेके, तो ऐसे में अभी का पेंजिम सिटी भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, है ना। कैसिनो लेन भी आपको दिखाता हूँ अभी का क्या स्टेटस है, और उसके बाद पेंजिम चर्च फेमस ये साइड भी आपको लेके जाऊँगा। फॉन्टेनस जा सकते हैं ना, फॉन्टेनस चर्च के बगल में है, बिल्कुल वहाँ से राइड करूँगा। तो आपको पेंजिम सिटी भी घुमाऊँगा और अपना काम भी यहाँ हो जाएगा, बने रहिएगा। चलो पेंजिम सिटी घूम के आते हैं, थोड़ा कुछ काम करके आते हैं, है ना। चलो यस गाइस, तो फाइनली हम लोग पेंजिम सिटी में पहुंच गए हैं, और यहां से नज़ारा देखो कैसिनो लेन का, है ना। मौसम बहुत बढ़िया है, धूप ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का बादल है और हवा चल रहा है सामने से। तो ये है आज का मौसम अपडेट, अच्छा मौसम बना है। ये मौसम है ना ऐसा मेरे ख्याल से लास्ट 6-7 दिन से है, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतर मौसम है। और ये जो अभी हम पहुंच रहे हैं कैसिनो लेन, ये मेन कैसिनो लेन है, मैं दूसरे साइड में हूँ, और मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये साइड में सारे कैसिनोज के जो रिसेप्शन है, ये किंग्स कैसिनो, डेल्टिन जैक, मैजेस्टिक प्राइड, ये साइड में है, और आगे बिग डैडी डेल्टिन रॉयल का रिसेप्शन है। पार्किंग जो है ना, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं पार्किंग कहाँ करना है, पार्किंग आपको ये साइड में करना पड़ता है दूसरे रोड में, ठीक है। कैसिनो के मेन रोड में आपको पार्किंग नहीं है, ये बिग डैडी वाला सीन है। क्या मस्त दिख रहा है व्यू ना, अभी तो लोग आपको नहीं दिख रहे पर शाम के टाइम में लोग होते हैं। ये रोड में कहीं पे पार्किंग नहीं मिलता है, पार्किंग आपको दूसरे साइड होता है, पेड पार्किंग होता है। मेरे ख्याल से बाइक का 50 रुपया कुछ लेते हैं वो लोग, और कार का 100 रुपीज़ रहता है।
और यहाँ पे कैसिनो प्राइड, ये साइड में कैसिनो प्राइड है और डेल्टिन रॉयल का रिसेप्शन ये साइड में है। मेरा राइट साइड में जो देख रहे हो आप सारे ये फ्लोटिंग कैसिनोस मांडवी रिवर के हैं, बहुत सारे मूवीज़ ये एरिया में शूट होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक या फिर आपका अगर नसीब रहेगा तो कोई ना कोई एक्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनका शूटिंग ये एरिया में ज़्यादा चलता है, पंपल एरिया में। यहाँ से लेंगे लेफ्ट और हमको जाना है मार्केट में। सो गाइस, ये फाइनली पेंजिम का मार्केट, मेन म्यूनसिपालिटी मार्केट है मेरे लेफ्ट साइड में। अभी यहाँ पे हो रहा था ट्रैफिक, वन सेकेंड। ये मेरे लेफ्ट साइड में ये मेन म्यूनसिपालिटी मार्केट, जिनको अभी शॉपिंग करना है ना आप ऐसे घूम सकते हो। ये देखो राइट साइड में टूरिस्ट है, कैजू नट्स, वाइन स्टोर, कपड़ा वगैरह यहाँ पे आपको बीच साइड से तो सस्ता मिलेगा। बीच साइड में क्या होता है, टूरिस्ट का प्राइस लगता है। यहाँ पे आ जाओ मार्केट में, आपको जो लोकल रेट है यहाँ का, लोकल गोवन रेट आपको मिलेगा। और बहुत फेमस जाटिए काजू जो है, जो ऑथेंटिक काजू नट्स का शॉप है, ये यहाँ पे ही है। आगे ये लेन से आगे लेफ्ट जाओगे तो आपको मिलेगा। मुझे बाइक यहाँ पे पार्क करना है, पार्किंग ढूंढना पड़े, पे पार्किंग। अपना मेन ऑफिस है ये, अपना नारायण भाई। नारायण भाई कैसे हो? हाय। ये मैडम जी है, कैसे हो मैडम जी? ओके। सो ये नेटटेक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ना लैपटॉप के सारे पार्ट्स मिलता है। नारायण भाई शूट कर सकता हूँ ना थोड़ा? ओके। सो ये देखो, ओके नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम अभी करेंगे हमारा लैपटॉप का ऑपरेशन। ये तो आपको दिखाता हूँ इसका हालत पहले क्या है। ये देखो, ये आधा स्क्रीन में मैं एक दिन काम किया एडिटिंग, बहुत मुश्किल से, आज नहीं हो रहा है तो इसको रिप्लेस करना ही है। और मैं कर रहा हूँ आज मेरा लैपटॉप का खुद ऑपरेशन। खोल दिया फाइनली। जब भी पहले बार किया था ना, हाथ ऐसे हिलता था, अभी आदत हो गया है। ये है डिस्प्ले, इसका हुआ है कल्याण। तो अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आप लोगों को मैंने बताया नहीं कभी, मैं एज ए प्रोफेशन में आईटी इंजीनियर हूँ, जिसकी वजह से ये तोड़फोड़ कर रहा हूँ, आप ट्राई मत कर रहा हूँ। रिलेटेड मैं 6-7 साल काम कर चुका हूँ, हालांकि अभी जो फील्ड है ये चेंज हो गया है, ऑनलाइन चला गया हूँ, पर ये कुछ टाइम का मेरा पैसा था, क्या बोलते उसको, वही आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से। अभी लाइन चेंज हो गया है अपना। जय माता दी, ऑन किया है। यस, तो फाइनली ये स्क्रीन जो है परफेक्ट काम कर रहा है। साइज वगैरह आप देख सकते हो, अभी भी ओपन किया हुआ है, ऐसा सारे इधर उधर फैला के रखा हूँ। इसको अभी पैक करेंगे, टेस्ट कंप्लीट हो गया है, मिशन सक्सेसफुल। चलो इसको पैक करते हैं और निकलते हैं, बहुत सारा काम पेंडिंग है, वीडियो एडिट करना है जाने के बाद, है ना। फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, अभी फाइनल ऑन कर दिया। ये देखो काम हमारा हो गया है। यस, लैपटॉप रेडी। तो कल से फिर से आपको वीडियो मिलेगा, है ना, मिशन सक्सेसफुल। चलो, सो यहाँ के जो ओनर नारायण भाई साहब है, ये इनसे जो मेरा पहचान है ना, बहुत साल से, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गया, ज़्यादा रहेगा ना।
यहाँ से सारे में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है मैं यहीं से लेता था और काम करता था। हालांकि अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद आया हूँ मैं, है ना। अच्छा लगा आपसे मिलके और पुराने यादें ताज़ा हो गया थोड़ा ये काम का। जो भी आपका अगर पार्ट्स लेना है ना, लैपटॉप का पार्ट्स हो, चार्जर वगैरह, सीसीटीवी के कैमरा नया या फिर पार्ट्स, सारे यहाँ पे होलसेल रेट में मिलते हैं ना। यस करेक्ट। क्या क्या मिलता है यहाँ पे थोड़ा? यहाँ पे हम लोग बेसिकली ज़्यादातर हम लोग लैपटॉप के स्पेयर रखते हैं और हमारे लैपटॉप के स्पेयर में पैनल, स्क्रीन्स, बैटरीज, एडाप्टर्स कंपेटेबल भी मिल जाते हैं, ओरिजिनल भी मिल जाते हैं। हम लोग वी आर सप्लाइंग टू द पूरे गोवा को हम लोग सप्लाई करते हैं, डीलर्स और कस्टमर्स सबको। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका अगर शॉप है या फिर जो भी पार्ट्स आपको चाहिए होगा। इनका जो ऑफिस का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आ सकते हो आप अगर कोई लोकल देख रहे हो तो। बिल्कुल आपको सर्विस वगैरह भी मिल जाएगा, हम लोग सर्विस वगैरह भी देते हैं। अच्छा। वगैरह हम लोग आपको फिटिंग वगैरह करना नहीं आता तो हम लोग हेल्प कर देंगे। इफ आपको फिटिंग करना तो वो भी कर सकते हो, लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको चाहिए तो यहाँ पे सर्विस वगैरह भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट ऑप्शन है, सस्ते में काम हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसका बताऊं ये जो डिस्प्ले मुझे पड़ा है 3600। अब सेम डिस्प्ले अगर कोई भी रिटेलर में जाओगे मेरे ख्याल से 5000+ होगा, 5000+ होगा। ये मैं जानता हूँ, पहले से इनसे डील करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये इनसाइड है तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। टेंजिन सिटी मार्केट एरिया में है, नियर डॉन बॉस्को। नियर डॉन बॉस्को। नारायण भाई थैंक यू, क्या थैंक यू, यहाँ पे मुझे शूट करने के लिए परमिशन दिया, इसलिए। चलो चलो ये खत्म करते हैं और थोड़ा पेंजिम सिटी घूमेंगे और घर पे जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। तो काम खत्म हो गया है, जो जिस काम के लिए आए थे वो तो सक्सेसफुल रहा। ये देखो ये पेंजिम का मेन चर्च है, चर्च के राइट साइड में आप देख सकते हो टूरिस्ट के सारे कपड़ा वगैरह आपको मिलेगा। ये जो स्टॉल आपको दिख रहा है ना, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है, आप बिल्कुल शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो ये है और यहाँ पे टूरिस्ट देख सकते हो काफ़ी है टूरिस्ट, एक एक दिन बहुत रहते हैं। संडे सैटरडे संडे के दिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है फॉन्टेनस एरिया, विवा पंजिम रेस्टोरेंट यहाँ पे है, बहुत फेमस है, ऑथेंटिक गोवन फूड यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये प्लेस में आपको ज़्यादा टूरिस्ट दिखते हैं फ़ोटोशूट करते हुए। थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चल रहा है फ़ोटोशूट। हाँ फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ, लैपटॉप लेके आया हूँ, सक्सेस हो गया सारे काम कंप्लीट। अभी हम करेंगे एडिट। अपना लैपटॉप रेडी हो गया, आज के वीडियो में इतना। चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर दो, इतना सारा मेहनत करता हूँ आपके लिए, है ना। इतना अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, अच्छे अच्छे प्लेस में घुमाता हूँ, सब्सक्राइब तो करना बनता है। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो या फिर इंस्टा पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।